हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? ऐसा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो मैं और गोरी जो है रेडियो के, और पीयू जा रही है स्कूल, और वंदना के डैडी गए हुए हैं शामली किसी काम से। तो जी चलो अब हम चलते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं काम वो आपको दिखाएंगे जाके ही। और पीयू गोरी ने अपनी टोपी उतार दी और नीचे गिर गई। देखो नीचे गिर गई है। तो जी यहाँ पे हम अड्डे पर से जो है अपने जो है रिक्शा में बैठ लेते, और रिक्शा में बैठने के बाद में हम चलते हैं बुढ़ाना। तो दो तीन जो है सवारी और बैठ गई थी, और उसके बाद में जो है बुढ़ाना जाके मिलते हैं आपसे। तो रास्ते में जो है खेत खलियान भी आवा है। तो देखो ये है हरियाली, तो पेड़ पौधे जो है बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड लगा दी, और रिक्शा में जो है बुढ़ाने तक पहुँचने में काफ़ी भीड़ हो गई थी। और फिर आ गए हैं बाज़ार में। तो बाज़ार में को निकलना अब जो है, तो त्योहारों का टाइम चल रहा है, तो बाज़ार में लगी है काफ़ी भीड़। तो इस वजह से जो है ना, भीड़ की वजह से रिक्शा और गाड़ी निकलना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाए ट्रैफिक में। और दुकानों पे भी काफ़ी भीड़ है, क्योंकि जो है ना अब न्यू जो है सामान आए हुए हैं, करवा चौथ आ रही है, और जो है ना त्योहारों की जो है लाइन लगी हुई है, और ख़रीदारी करने वालों की भी बाज़ार में पूरी भीड़ है। किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है और किसी को किस चीज़ की, तो इसलिए सब लोग जो है बाज़ार में पहुँचे हैं। और मैं भी गई थी कुछ जो है सामान ख़रीदने के लिए। तो दिखाएंगे हम आपको क्या ख़रीदना है क्या नहीं मुझे। और सबसे पहले जो है जाना है मुझे आज मंदिर। तो सबसे पहले जो है भगवान जी के दर्शन करके आएंगे, क्योंकि जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरा जो है माहौल चल रहा है, और इस वजह से जो है ना काम में और कहीं में भी मतलब कि मन नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा काम तो रोज़ रोज़ हो गया, तो इसलिए आज जो है सबसे पहले कामों को छोड़ कर थोड़े से जो काम होया होया कर लिया, नहीं तो सब काम छोड़ कर आज मैं पहुँच गई हूँ सहदेव मंदिर पर दर्शन करने के लिए। मैं और गोरी और पीयू का डैडी तो है अपने काम पे, पीयू स्कूल है, और वंदना के डैडी भी जो है अपने काम पे। तो इसलिए हमने सोचा तब तक ही आवेंगे, इनसे पहले ही हम जाके आ लेंगे फटाफट से जो है प्रसाद वगैरह चढ़ा के, जो भी हमें करना तो करके अपना काम निपटा कर आ जाते हैं घर। प्रसाद ले लिया और हम चलते हैं, मैं और गोरी लाइन में, गोरी प्रसाद चढ़ाऊँ समझे। और चीज बढ़िया है, गोरी को स्कूल में, पीयू को स्कूल में छोड़ कर आए, क्योंकि शाम को तो फिर टाइम नहीं लगता। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद में अब आती है हमारी बारी। तो दो तीन सदस्य ही थे जो मंदिर में थे। तो सुबह के टाइम जो है काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जब हम पहुँचे तो पंडित जी बोले कि अभी जो है छीज सी हुई है, नहीं तो सुबह से ना लाइन लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और यहाँ पर जो है पूजा चल रही थी और पंडित जी भी बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा जो है मैं भी फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। तो गोरी को मैंने बिठा लिया है अपने पास में, और जो है मैंने प्रसाद की जो है यहीं से ही टोकरी ले ली थी, तो उसमें जो है ना सारा सामान सब मिल जाए यहीं से मंदिर के बाहर से। तो नारियल जो अर्जी काला कपड़ा और प्रसाद वगैरह पाँच तरह के जो आते हैं ना, सारा सामान मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी टूट जाए तेल वेल। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर प्रसाद की टोकरी ले ली थी, और अब जो है करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने दिया बत्ती, दिया बत्ती करने के बाद में जो है चढ़ाएंगे तेल सहदेव महाराज जी को। ओम नमो नमो शनिश्चराय नमः, ओम नमो नमो शनिश्चराय नमः, ओम नमो नमो शनिश्चराय नमः, ओम नमो नमो शनिश्चराय नमः। तो मैं यहाँ पे जो है पूजा कर रही है मैंने, तो जो है प्रसाद चढ़ाना बाकी रह गया है, तो मैंने चढ़ा दिया है प्रसाद, और अब कर लेते हैं भगवान जी से प्रार्थना। तो प्रार्थना करने के बाद में जो है फिर चलेंगे अंदर जो है, और भी भगवानों की जो है मूर्तियाँ है, तो उनको भी जो है सारे को जो है प्रसाद अर्पित करके। और गोरी को लगी है रोने की, तो पंडित जी ने गोरी को उठा लिया गोद में।
तो पंडित जी गौरी को गोद में लेने के बाद में बोल रहे कि बड़ी शरारती लड़की है, आने का जो है ना हम नहीं ले रही मेरे से। और मैंने इसको जो है तब तक मैंने पूजा की, तो पंडित जी बोले अभी मंदिर में इतनी भीड़ नहीं है, एक दो सदस्य ही है, तो तब तक इसको मेरे पास बिठा दो। तो मैंने जो है गौरी को उनके पास बिठा दिया था। तो मैंने जो है जितने भी जो भगवान थे वहाँ पर जो है थोड़ी सी वीडियो शूट की और प्रसाद वगैरह जो है सारे को चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देखो जी कितना प्यारा बन गया है। जब मैं आई थी ना तो जब ये बनने लग रहा था, देखो कितना अच्छा बन गया मंदिर, छोटा सा। तो अब यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर होगा, तो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा, नवरात्रि चल रही, तो इसलिए हम आए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये देखो यहाँ पर काफ़ी भगवानों की जो है मूर्ति है। हनुमान जी का जो है प्रसाद चढ़ाना बाकी रहेगा। यह है बाबा भोलेनाथ और गणेश जी, और यह है छोटा सा यहाँ पे शिवलिंग। तो हम इनके दर्शन कर लिए और प्रसाद वगैरह भी चढ़ा लिए हैं। अब चलते हैं बाहर। ये है महाराज विराजमान यहाँ पे। दर्शन करेंगे और देखते हैं क्या समझ में आओगा कुछ दुकान। तो थोड़ी सी खरीदारी भी कर रहे हैं। तो जी बाजार में थी काफ़ी भीड़ और निकलना भी मुश्किल था, लेकिन जो है ना दुकानें अभी लगने लग रही थी, तो मैं पहुंच गई थी सुबह के टाइम ही मंदिर में दर्शन के लिए, क्योंकि शाम के टाइम ना पशुओं वगैरह का बहुत सारा काम होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा सुबह ही जो है नाश्ते का काम निपटा के और सहदेव महाराज जी के दर्शन कर लिए जाए और सुख शांति जो है बनी रहे हमारे घर में, क्योंकि सुख शांति जो है ना सब भंग हो रही है, ख़त्म हो रही है हमारे घर की। हाँ जी, उसकी गोदी में ही चिपट जा। और यहाँ पे जो है मैं इसमें यहाँ पे वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की ना बहुत ही ज़्यादा वॉइस आ रही थी। तो देखो बहुत ही ज़्यादा जो है करवा चौथ के मौके पर लेडीजों के लिए बहुत ही सारे ऑफर आ रहे थे। तो ये देखो जी बहुत ही अच्छी जो है सेल लगी हुई थी। और यहाँ पे चप्पल जूते कपड़े दुपट्टे सूट मतलब कि किचन का कुछ भी सामान जो है कुछ भी ले सकते हैं। सारे सामानों की जो है भारी भरकम पर मैं जो है दुकानें लगी हुई थी। पता नहीं भगवान ये सब क्या कर रहा है क्या नहीं, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान ऐसा किसी के साथ भी मत करना, जैसा जो है मुझे अपनी बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी बहुत ही ज़्यादा है कठिनाई से गुजरना पड़ रहा। कोई भी जो है साथ नहीं देता, परिवार हो चाहे कोई भी हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में ना मतलब ही लोग ज़्यादा है और ना काम अपना सीधा होते ही निकल जाता है, और जब अपने काम करवाना हो जब तो हाँ जी एंड फिर ना जी। तो अक्सर जो है ना मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब काम की बारी आती है जब तो बेटा इसका ये कर दो, कोई नहीं, अपने ही तो फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन करके फिर भी भलाई नहीं मिलती, कभी भी बुराई मिलती है। तो अलग रहो चाहे इकट्ठे रहो, फिर भी जो है शांति से नहीं रहने दिया जाता किसी को भी। पता नहीं भगवान जो है क्या करके रहेगा, हमें अपने बच्चियों को भी जो है शांति से दो रोटी भी जो है खाने नहीं दे रहे। तो जी चलो बस मैं जो है इतनी सी अब जो है आपको अपडेट देना चाहती थी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।